फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। तो इसलिए आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों 15 मई के बाद विश्वविद्यालय को लेना होगा परीक्षाओं पर निर्णय। दोस्तों क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों माई सिटी की ये रिपोर्ट है जहां पर बताया गया है हालात नहीं सुधरे तो करनी होगी प्रोन्नत करने की सिफारिश, 5 लाख छात्रों का भविष्य है दांव पर। दोस्तों आपको इस खबर को मैं पढ़ के सुना देता हूं। CCSU कैंपस कॉलेजों में 5 लाख छात्र छात्राओं की अधर में पड़ी परीक्षा पर विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 मई के बाद निर्णय लेना होगा। अगर कोरोना संक्रमण कम नहीं होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी वर्षों सेमेस्टरों के छात्रों को जल्द से जल्द अगली कक्षा में प्रोन्नत करना होगा। ऐसा नहीं किया तो अगला सत्र पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है 2-3 महीनों के अंदर तो जो है आपका अगला सत्र जो है वो लेट हो जाएगा, और अगर अगला सत्र लेट होगा तो आपकी परीक्षाएं भी लेट में चली जाएंगी। तथा आपको बता दें छात्राओं की परीक्षाएं स्थगित कर दी जा चुकी हैं। ये परीक्षाएं अगर हालात ठीक होने पर 25 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब 25 जुलाई के पहले ख़त्म नहीं होंगी। दोस्तों अगर आप परीक्षा कराते हैं तो आपकी परीक्षाएं 25 जुलाई तक नहीं होंगी। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं साइड में आपको बताया गया परीक्षाएं हुई तो अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं। दोस्तों अगर आप CCSU में अगर परीक्षाएं कराई गई 15 मई तक आपका सब कुछ बंद है, 15 मई के बाद अगर जून में आपकी परीक्षाएं चेक कराई गई और परीक्षाएं कराई गई और कॉपी चेक करने करते आपका अगस्त बीत जाएगा। दोस्तों यहां पर 5 लाख छात्र छात्राओं में बैठी हुई 18 लाख के जो है करीब कापियों का मूल्यांकन करना होगा। अगर आपकी परीक्षाएं हुई तो लगभग 18 लाख कापियों का आपको मूल्यांकन करना होगा, जो कि 1-2 महीने भर से कम नहीं लगेगा। और इसलिए आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सभी छात्र जो है वो किसी भी मीडियम से हों उनको प्रोन्नत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम करना आपको ये पड़ेगा कि आप जो भी चलाते हैं हर जगह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि कैंसिल CCSU फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम को कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, और ये बताइए साथ ही साथ कि आप क्या चाहते हैं कि परीक्षाएं रद्द हों या ना रद्द हों, ये चीज़ आप ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें, और अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको सारी न्यूज़ और खबर चाहिए तो आप बेहडेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटा वाला बटन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है और बिल्कुल कम समय में दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।